लोकसभा चुनाव के लिए असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम की यूपी में एंट्री हो गई है। एआईएमआईएम ने पल्लवी पटेल की पार्टी अपना दल कमेरावादी से गठबंधन कर लिया है। नए मोर्चे का नाम पीडीएम यानी पिछड़ा दलित और मुस्लिम दिया गया है। मोर्चे की 35 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी है। अखिलेश यादव के पीडीए के मुकाबले में पल्लवी पिछड़ा दलित और मुस्लिम नेताओं यानी पीडीएम को एक मंच पर लाने की कोशिश कर रही हैं। इसके लिए उन्होंने यूपी में साइलेंट चल रहे असदुद्दीन ओवैसी से हाथ मिलाया है। जब पल्लवी पटेल से पूछा गया कि आप कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगी, उन्होंने कहा इसके लिए दोबारा आपके सामने आएंगे, अभी सिर्फ गठबंधन की घोषणा कर रहे हैं। हमारी रणनीति में मिर्जापुर और वाराणसी है। लोकतंत्र के सबसे मजबूत स्तंभ अपने सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं का स्वागत करते हैं। आज इस देश की जो वर्तमान परिस्थितियां हैं उसमें ऐसे बहुत से समाज हैं, सामाजिक समूह हैं, विशेष रूप से पिछड़े समाज की बहुत सी जातियां, दलित समाज और मुसलमान समाज, जिनको लगातार जिनका शोषण किया जा रहा है, जिनका दमन किया जा रहा है और जिनके सम्मान पे लगातार कुठाराघात किया जा रहा है। आज हम आपके बीच में इस समाज, पिछड़ा दलित और मुसलमान समाज, जिनके प्रति सरकार का जो रवैया है और मुख्य विपक्ष में बैठे जो लोग हैं वो इन समाज के ऊपर हो रहे अन्याय के खिलाफ चुप बैठे हैं और उनके जायज सवालों के नाम पर पीछे हट रहे हैं। पल्लवी पटेल ने कहा देश में मौजूदा वक्त अस्थिरता का है, पिछड़े दलित और मुस्लिमों का शोषण हो रहा है, दमन की नीति के लिए हम सरकार का विरोध करते हैं। आज हम आपके बीच पीडीएम के साथ आए हैं। आज हम सरकार और मुख्य विपक्ष के खिलाफ, पीडीएम के खिलाफ हो रहे अत्याचार के लिए आवाज उठा रहे हैं। समाज का एक तबका ऐसा है जिनके प्रति सरकार को विपक्ष का रवैया ठीक नहीं है। ये वो तबका है जो सरकार बनाता है और गिराता भी है। आज हम पीडीए के आरक्षण, राजनीति, भागीदारी और उनके हित को लेकर आपके बीच में हैं। देखिए, अगर ओवैसी साहब की संगत का भी असर है तो बुरा कहां से है? तो मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूं कि सामाजिक न्याय की लड़ाई बहुत पारदर्शिता के साथ लड़ी जानी चाहिए और पीडीएम हमने इसलिए ये नारा दिया है क्योंकि कहीं ना कहीं अल्फाबेट ए में कंफ्यूजन था। कभी वो आधी आबादी था, कभी वो अगड़ा था, कभी वो अल्पसंख्यक था, कभी आदिवासी हो गया और कभी जाते जाते ऑल हो गया। तो हमने कहा राजनीति में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए। इसलिए उस एक एक कंफ्यूजन को हटा करके हमने उनको जोड़ने का काम किया है जो वास्तविक रूप से इस देश में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक शोषण का शिकार है। वहीं ओवैसी ने भी अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला और कहा कि अखिलेश यादव कहते हैं कि ओवैसी बीजेपी की बी टीम है, इसलिए बार बार यूपी में आकर चुनाव लड़ते हैं। वो बताएं कि क्या इसीलिए डॉक्टर एस टी हसन का टिकट कटवा दिया गया है? रामपुर के लिए भी हम ही जिम्मेदार हैं क्या? उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। उन्होंने कहा कि हमें इस चुनाव तक रुकना नहीं चाहिए, उसे आगे लेकर जाना चाहिए। हमें यकीन है कि यूपी की जनता पीडीएम को सहयोग करेगी। मुरादाबाद में क्या हुआ? मुरादाबाद में डॉक्टर एस टी हसन साहब उस पार्टी के लीडर थे लोकसभा में और इतनी उनकी बेइज्जती की गई, इतनी बदतमीजी उनसे की गई। एक मिसाल दे रहा हूँ, तो बहुत लंबी फहरिस्त है कि आपने दो दो कैंडिडेट्स को टिकट दे दिया, दोनों को बी फॉर्म दे दिया। मेरे अल्फाज नहीं है, डॉक्टर साहब के खुद अल्फाज नहीं है, तो इससे क्या मैसेज जा रहा है? आप देख लीजिए फिर रामपुर में क्या हुआ। तो ये मिसालें कई हैं ना, तो इससे को तो इनकार नहीं कर सकता। यार हम नहीं कह रहे हैं कि वो तो डॉक्टर साहब कह रहे हैं, रामपुर के उनके जिम्मेदार कह रहे हैं, ये हकीकत है, इसे कोई इनकार ही नहीं कर सकता।
एक करके कहीं हम भागने वाले नहीं है कहीं। 2014 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश ने आजमगढ़, रामपुर, मुरादाबाद, संभल समेत 5 सीटों पर जीत हासिल की थी। उन्हें मुस्लिम वोटर्स का साथ मिला था। अब ओवैसी के साथ अपना दल कमीरा वादी के आने से मुस्लिम वोटर्स को नए विकल्प मिलेंगे। ध्रुवीकरण की सियासत में अखिलेश को पश्चिम की सीटों पर नुकसान हो सकता है।